प्यारे बच्चों, मैं प्रज्ञा सिंह एक बार पुनः गृह विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 9 के पाठ 14 संतुलित आहार, कुपोषण एवं कुपोषण जनित व्याधियों पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत हमने आहार, आहार के प्रकार, संतुलित आहार, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों, उसके महत्व, उसकी विशेषताएं एवं पोषक तत्वों पर विस्तार से चर्चा की थी। बच्चों, आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इस पाठ के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आज हमारे चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या होंगे। बच्चों, आज सर्वप्रथम हम पोषक तत्वों एवं भोज पदार्थ के संबंध को जानेंगे। तत्पश्चात हम विभिन्न खाद्य समूहों से परिचित होंगे और विभिन्न खाद्य समूहों की कितनी मात्रा संतुलित आहार में होनी चाहिए वह एक पिरामिड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात हम संतुलित आहार का चार्ट या आहार तालिका पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार का निर्धारण कैसे होता है उसको भी आहार तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उत्तम आहार के गुण एवं भोजन के संबंध में ध्यान देने योग्य बातों पर चर्चा करने के पश्चात हम कुपोषण को जानेंगे और अंत में आज के इस भाग से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम अपने पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं और चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो हमारे भोजन को समृद्ध करते हैं, और ये भी जाना था कि संतुलित आहार में इन पोषक तत्वों की उचित मात्रा उचित अनुपात में होना अनिवार्य है। बच्चों, ये पोषक तत्व हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं, अर्थात जो भोजन हम करते हैं उनमें जो खाद्य पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हीं के माध्यम से हमको ये पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। और बच्चों, भोजन हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति से प्राप्त करने के इसके प्रमुखता दो स्रोत हैं, एक जंतु जगत और दूसरा वनस्पति जगत। वनस्पति जगत और जंतु जगत दोनों माध्यम से भी प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों में से कोई भी भोज्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें ये सभी पोषक तत्व उपस्थित हो और वो भी उचित मात्रा में। इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि संतुलित आहार को ग्रहण करने के लिए हम एक मिश्रित आहार को ग्रहण करें। मिश्रित आहार वह आहार होता है जिनमें सभी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन वे विभिन्न खाद्य समूहों से उचित मात्रा में एवं उचित अनुपात में सम्मिलित हों। बच्चों, इसे समझने के लिए हम ये कर सकते हैं कि देखिए, जैसे अगर हम अपने भोजन में केवल चावल को ही सम्मिलित करें तो चावल में सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं है, तो हमको उन पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी जो चावल में उपस्थित नहीं है। और अगर हम उसके स्थान पर चावल के साथ दाल, हरी सब्जियां, सलाद इत्यादि को भी शामिल कर लें तो उसमें क्या होगा, जो पोषक तत्व तो चावल में उपस्थित नहीं है वे हमें दाल से प्राप्त हो सकते हैं, जो दाल में उपस्थित नहीं है वे हमें सब्जियों से प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार से मिश्रित आहार ग्रहण करने से सभी पोषक तत्व तो हमें आसानी से और वो भी उचित मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए मिश्रित आहार को ही उत्तम आहार कहा जाता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा उत्तम होता है। बच्चों, इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि जब हम संतुलित आहार की तालिका बनाएं तो उसमें भी मिश्रित आहार को ही स्थान दें, अर्थात विभिन्न खाद्य समूहों से भोज्य पदार्थों को उसमें उचित मात्रा में सम्मिलित करें, जिससे कि हमारी तालिका या हमारी थाली वह हमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में प्रदान कर पाए। बच्चों, अभी हमने बार बार परिभाषा में यह बोला कि खाद्य समूहों से आप परिचित हैं और आपने इसे पिछले अध्याय में विस्तार से भी पढ़ा है, इसलिए मैं इसका एक संक्षिप्त परिचय ही आज दूंगी और इस बात पर विशेष जोर दूंगी
कि खाद्य समूहों की कितनी मात्रा संतुलित आहार में सम्मिलित की जानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि वे खाद्य समूह कौन-कौन से हैं। सबसे पहला समूह अनाज एवं उससे बने हुए पदार्थ। बच्चों, अनाज एवं उससे बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, अर्थात यह हमारे शरीर को विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। बच्चों, ऊर्जा का कार्य केवल हमारे दैनिक क्रियाकलापों को ही पूरा करना नहीं है, बल्कि जब हम आराम की स्थिति में होते हैं, अर्थात उस वक्त जब हमारा शरीर कोई काम ना कर रहा होता है, फिर भी हमारे शरीर के अंदर जो आंतरिक गतिविधियां चलती रहती हैं उसमें भी ऊर्जा का व्यय होता है और हमें आराम की स्थिति में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन का अगर हम कहें तो प्रमुख कार्य ऊर्जा प्रदान करना हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें आराम की स्थिति में भी ऊर्जा की आवश्यकता है, साथ ही साथ काम करने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होती ही है। इसलिए यह जो समूह है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात दूसरा समूह है फल एवं सब्जियां। बच्चों, ये फल एवं सब्जियां विटामिन और खनिज लवणों का भंडार हैं। इसमें सभी प्रकार के विटामिन और खनिज लवण प्रचुरता से प्राप्त होते हैं और यही खनिज लवण और विटामिन हमें विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता भी देते हैं। बच्चों, ये जो फल एवं सब्जियां हैं इनमें एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिसे हम कहते हैं सेल्युलोज। यह सेल्युलोज एक रेशा है जिसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, अर्थात हमारे शरीर के जो पाचक रस हैं वो उस पे कार्य नहीं करते हैं, परंतु इनका हमारे भोजन में सम्मिलित होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यह हमारे पाचन प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। हमारे पाचन प्रक्रिया में जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं शरीर से उसको बाहर निकालने के लिए या मदद करते हैं, इसलिए इनको भी सम्मिलित करना अनिवार्य हो जाता है अपनी संतुलित आहार की तालिका में। बच्चों, तीसरा समूह है दाल एवं फलियां। बच्चों, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं और यह हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, इसलिए यह हमारे वृद्धि और विकास में सहायक है। चौथा, दूध एवं दूध से बने पदार्थ और पांचवा, मांस एवं मछलियां। बच्चों, ये दोनों समूह हमें जंतु जगत से प्राप्त होने वाले हैं और प्रोटीन के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। इनका प्रोटीन वनस्पति जगत के प्रोटीन के अपेक्षाकृत उच्च कोटि का होता है। अंतिम ग्रुप, छठा ग्रुप, वसा एवं तेल का है जिसमें पर्याप्त मात्रा में वसा मिलती है। बच्चों, वसा का कार्य भी ऊर्जा प्रदान करना है तथा साथ ही साथ जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह भी हमें इन्हीं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। बच्चों, वसा एवं तेल में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में उसके दुगने से ज्यादा ऊर्जा देने की क्षमता होती है। क्यों? जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है, जबकि उतनी ही मात्रा में वसा से हमें 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में उससे दुगने से भी ज्यादा ऊर्जा देने की क्षमता रखते हैं। और अंत में बच्चों, एक ये समूह है जिनमें वो भोज्य पदार्थ रखे गए हैं जिनका हमें कम मात्रा में ही सेवन करना होता है, जैसे कि चीनी, नमक, गुड़ इत्यादि। आइए बच्चों, अब हम खाद्य समूहों को समझने के बाद ये देखते हैं कि आहार तालिका बनाते समय, एक संतुलित आहार तालिका बनाते समय किन खाद्य समूहों की कितनी मात्रा को सम्मिलित करना चाहिए। उसको प्रदर्शित करने के लिए बच्चों यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है जिसे हम पिरामिड कहते हैं, जिसका आकार आप देख सकते हैं एक शंकु का आकार या एक तिकोना आकार है। यह पिरामिड एक प्रकार का दिशा निर्देश करता है। इसके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि किस खाद्य समूहों की कितनी मात्रा व्यक्ति को अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। बच्चों, आप ध्यान से देखें तो
तो इस पिरामिड के सबसे निचले हिस्से पर अनाज एवं अनाज से बने भोज्य पदार्थ हैं, इनको सबसे ज्यादा मात्रा में हमें ग्रहण करना होता है, इसलिए इन्हें उस स्थान पर रखा गया है जहां इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा हमें अपने आहार में अधिक मात्रा में सम्मिलित करनी होती है। बच्चों, ये वही समूह है जो हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसका सेवन हमें दिन भर में 4 से 5 बार करना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्थान फल एवं सब्जियों वाले समूह को दिया गया है। इसका सेवन 2 से 3 बार करना चाहिए। आपको बताया जा चुका है कि ये विटामिन और खनिज लवणों को के भंडार हैं, इनमें प्रचुरता से विटामिन एवं खनिज लवण प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इसमें सेलुलोज मिलता है जो हमारे पाचन प्रक्रिया को सुगम बनाता है, इसलिए अनाज वाले समूह को और फल एवं सब्जियों की मात्रा को हमें अधिक मात्रा में सेवन करना होता है। उसके बाद तीसरा समूह एक ऐसे खाद्य पदार्थों का है जिसमें प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है, अर्थात इसमें मांस, मछली, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, दालें, फलियां इत्यादि सम्मिलित हैं। जो व्यक्ति मांसाहारी है वह मांस, अंडे, मछली के द्वारा अपनी प्रोटीन की पूर्ति कर सकता है, और जो शाकाहारी है वह दूध एवं दूध से बने पदार्थों साथ ही साथ दालों एवं फलियों के माध्यम से अपनी प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। या वह समूह है जो आपके शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करता है एवं उनमें टूट फूट की मरम्मत करता है। और बच्चों, अंत में वह समूह आता है जिसको मैंने आपको बताया था कि हमें कम मात्रा में खाना है, वह है वसा एवं तेल, चीनी, नमक इत्यादि। बच्चों, आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि जब वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में उससे दुगने से ज्यादा ऊर्जा देने की क्षमता है और साथ ही साथ हमें प्रतिदिन अपने कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमने वसा को ऊपर स्थान क्यों दिया है, उसको हमने कम मात्रा में खाना क्यों निर्धारित किया है? बच्चों, उसका कारण यह है कि वसा का जो पाचन एवं जो स्वांगीकरण तथा चयापचय का जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। अगर हम इसका अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो वे अपशिष्ट पदार्थ भी अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए इनको हमें कम मात्रा में सम्मिलित करना चाहिए। इसका एक और कारण बच्चों यह है कि भोजन का कार्य हमें संतुष्टि एवं तृप्ति प्रदान करना भी है। जब अपनी तृप्ति प्राप्त करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट को अधिक मात्रा में खा सकते हैं, परंतु उसी संतुष्टि के लिए अगर उतनी ही मात्रा में हम वसा का सेवन कर लेंगे तो वह हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसके दुगने से भी ज्यादा हमें ऊर्जा दे देगा, उसकी अधिकता हो जाएगी हमारे शरीर में और वह हमें मोटापा भी प्रदान कर देगा। इसलिए बच्चों, उस तृप्ति को ध्यान में रखते हुए हमें कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा का सेवन करना चाहिए तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन के फलस्वरूप कोई भी ऐसा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है जो हमारे लिए हानिकारक हो। बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस खाद्य समूह की कितनी मात्रा हमें अपने संतुलित आहार में सम्मिलित करनी चाहिए। तो बच्चों, इसी के आधार पर एक संतुलित आहार की तालिका का निर्माण कैसे होता है, चलिए अब हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहां पर एक तालिका प्रदर्शित की गई है, एक दैनिक संतुलित आहार की तालिका एक औसत व्यक्ति के लिए। एक औसत व्यक्ति यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि आप जानते ही हैं कि संतुलित आहार विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह अलग अलग होता है। यह एक साधारण तालिका बनाई गई है जो एक औसत व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि 4 पंक्तियां हैं। पहले पंक्ति में खाद्य पदार्थों के नाम दिए हैं
और दूसरी पंक्ति में उसकी मात्रा, तीसरे में पोषक तत्वों के नाम दिए गए हैं और चौथी पंक्ति में उसकी मात्रा उसके मापन इकाई के साथ में दी गई है। तो बच्चों अभी हमने आपको जैसा बताया ही था कि संतुलित आहार तालिका में अनाज की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए, उस आधार पर आप देख सकते हैं कि इस तालिका में सबसे ऊपर अनाज को स्थान दिया गया है और उसकी मात्रा 400 ग्राम ली गई है। फिर हरे पत्तेदार सब्जियां उसकी मात्रा 115 ग्राम, अन्य सब्जियां 85 ग्राम, दालें 85 ग्राम, तेल घी आदि 30 ग्राम, दूध 170 मिलीलीटर, चीनी गुड़ आदि 60 ग्राम, फल 60 ग्राम एवं मांस मछली एवं अंडा यदि व्यक्ति मांसाहारी है तो 30 ग्राम का सेवन कर सकता है और यदि वह मांसाहारी नहीं है तो फिर उसमें दूध की मात्रा और दालों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। बच्चों अगर हम दिन में इन भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनसे हमें ये पोषक तत्व इतनी मात्रा में प्राप्त होंगे। इतने भोज्य पदार्थों के सेवन से हमें ऊर्जा 2500 कैलोरी, प्रोटीन 70 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 400 ग्राम, वसा 50 ग्राम, लौह तत्व 40 मिलीग्राम, विटामिन ए 7300 अंतरराष्ट्रीय इकाई, बच्चों यह विटामिन ए को माप के मापन की इकाई है, विटामिन बी 2 मिलीग्राम, विटामिन सी 200 मिलीग्राम, कैल्शियम 1 ग्राम और फास्फोरस 0.5 ग्राम प्राप्त होंगे। बच्चों इस प्रकार से जब हम भोज्य पदार्थों को और उनकी मात्राओं को उनके सामने व्यवस्थित करते हैं तो इसी को हम संतुलित आहार तालिका कहते हैं। इसमें जितने भोज्य पदार्थ हैं अगर वह हमारी थाली में उपस्थित हैं तो ये हमें सभी पोषक तत्वों को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। बच्चों परंतु हम जानते हैं और हम ये पिछले भाग में पढ़ भी चुके हैं कि ये संतुलित आहार विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, इसलिए जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में या भिन्न भिन्न होता है। तो बच्चों आज हम कुछ अवस्थाओं पर की आहार तालिका पर विचार करेंगे और ये जानेंगे कि उनकी आहार तालिका बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है और उनकी आहार तालिका में क्या विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। बच्चों शुरुआत हम करेंगे बालकों के लिए संतुलित आहार तालिका से। हम सब जानते हैं कि एक मनुष्य का जीवन विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इन विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि विकास की दर, क्रियाशीलता इत्यादि भिन्न भिन्न होती है, हमारी आदतें, हमारे खान पान की रुचि ये भी भिन्न भिन्न होती हैं। यही कारण है कि प्रत्येक अवस्था के लिए संतुलित आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा भी बदलती रहती है और उन्हीं पे आधारित ये तालिकाएं बनाई गई हैं। सबसे पहले बच्चों हम बालकों के लिए चर्चा कर रहे हैं। मैंने पिछले भाग में ही बताया था कि बच्चों के वृद्धि और विकास की दर युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा होती है, साथ ही साथ वे जो है हमसे कहीं ज्यादा क्रियाशील भी होते हैं। इसलिए बच्चों की आहार तालिका बनाते समय हमें दूध एवं दूध से बने पदार्थों की मात्रा को अधिक मात्रा में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ही था कि वृद्धि और विकास के लिए अर्थात कोशिकाओं के निर्माण के लिए एवं टूट फूट की मरम्मत के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है और दूध में मिलने वाला प्रोटीन उच्च कोटि का होता है। साथ ही साथ आपको बताया जा चुका है कि क्रियाशीलता अधिक होने के कारण ऊर्जा एवं विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता भी युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति के अपेक्षाकृत ज्यादा चाहिए होती है। परंतु
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करता है तो उसे कई घंटे अपने कुर्सी और मेज पर बैठकर बिताने पड़ते हैं अध्ययन के दौरान। उस समय उसकी क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए उस समय उसकी ऊर्जा संबंधी आवश्यकता कम हो जाती है। बच्चों, बाल्यावस्था में बच्चा जब जन्म लेता है उसे जब धीरे धीरे वो विकसित होता है तो केवल उसकी लंबाई और भार ही नहीं बदलते बल्कि उसके जो आंतरिक तंत्र हैं वो भी विकास की स्थिति में ही रहते हैं। इसलिए हमें उस समय ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को जो हम भोजन दे रहे हैं वह शुद्ध हो और सुपाच्य हो, जिसे आसानी से वो पचा सकें और ग्रहण कर सकें। बच्चों, यही वो अवस्था है जिसमें एक बार स्थायी दांत आते हैं तो बच्चों को उस समय भी दांत संबंधी समस्या होती है, उसका भी प्रभाव संतुलित आहार को निर्धारित करता है। बच्चों, मैंने आपको बताया ही बाल्यावस्था एक लंबी अवस्था है, 2 वर्ष से लेकर लगभग 10 साल तक, तो और इस पूरी अवस्था में कई बार बच्चों के वृद्धि में विकास की दर में अंतर देखने को मिलता है, बच्चों की आदतों में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए हम पूरी बाल्यावस्था की एक तालिका नहीं बना सकते, इसलिए सुविधा के अनुसार पर यहाँ पर हमने उन्हें 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग है 4 से 8 वर्ष के बच्चों का, दूसरा 9 से 12 वर्ष के बच्चों का और तीसरा 13 से 15 वर्ष के बच्चों का। बच्चों, ये जो समय का अंतराल लिया गया है इनमें लगभग बच्चों की जो आदतें होती हैं और जो वृद्धि विकास की दर होती हैं वो लगभग समान होती हैं, इसलिए उनकी आवश्यकताएं भी लगभग समान होती हैं। परंतु 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों में अंतर देखने को मिलेगा और उसी आधार पर ये तालिका का निर्माण किया गया है। आप साफ साफ इसमें देख सकते हैं कि 4 से 8 तक के वर्ष के बच्चों के लिए 1200 से 1600 कैलोरी की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि 9 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1600 से लेकर 2000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ रही है और जबकि 13 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए 2000 से लेकर 2400 तक कैलोरी की आवश्यकता पड़ रही है। इसी प्रकार से यह अंतर अन्य पोषक तत्वों की भी मात्रा में देखने को मिल सकता है। बच्चों, उम्मीद है आप बालकों के लिए संतुलित आहार तालिका कैसे बनाते हैं इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और किशोरावस्था में संतुलित आहार तालिका का निर्माण कैसे होगा और उस समय हमें किन बातों पर ध्यान देना है इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, ये जो किशोरावस्था है एक बहुत ही विशिष्ट अवस्था है और इसका काल लगभग 12 साल से लेकर 19 वर्ष तक के होता है। इस अवस्था में बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं, अर्थात न केवल हमारा शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, बहुत से हार्मोन्स का श्रावण होने लगता है, प्रजनन तंत्र विकसित होने लगते हैं, इन सब का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर भी पड़ता है और यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा ना तो बाल्यावस्था में रह जाता है और ना तो वह वयस्कों में गिना जाता है। इसीलिए इस अवस्था को एक विशिष्ट अवस्था भी कहते हैं और इस अवस्था में एक बार फिर बहुत तीव्र गति से वृद्धि एवं विकास देखने को मिलता है। यही वह अवस्था है जिसमें लड़कियों में मासिक चक्र का प्रारंभ होता है और लड़कियों की लंबाई और भार भी जितना बढ़ना होता है वो बहुत तेजी से एक बार बढ़कर कहीं रुकने लगता है। और बच्चों, इसलिए इस अवस्था की आहार तालिका को बनाते समय हमें लिंगगत विभिन्नता को ध्यान में रखना अनिवार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं परिवर्तनों के कारण लड़कियों की आवश्यकता लड़कों से कहीं ज्यादा भिन्न इसमें हो जाती है। इस समय लौह तत्व की आवश्यकता लड़कियों को ज्यादा होने लगती है लड़कों की अपेक्षाकृत। इसलिए जो आहार तालिका यहाँ पर प्रदर्शित की गई है उसमें किशोर और किशोरियों को अलग अलग आवश्यक मात्रा प्रदर्शित की गई है। आप देख सकते हैं लौह लवण की आवश्यकता लड़कियों को लड़कों की अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। बच्चों, किशोरावस्था के बाद युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था जो है उसमें आहार तालिका पे सबसे ज्यादा प्रभाव लिंग,
श्रम करने की दर, अर्थात आप कितना परिश्रम कर रहे हैं, आपकी कार्यशैली क्या है, एवं विभिन्न अवस्थाओं का ही पड़ता है। श्रम के आधार पर जो संतुलित आहार किस प्रकार से प्रभावित होता है, इसको हमने पिछले भाग में विस्तार से जाना था और पढ़ा था। इसलिए आज विशिष्ट अवस्था के आधार पर यहाँ पर ये तालिका प्रस्तुत की गई है, जिससे आप ये समझ सकें कि एक साधारण महिला एवं गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिला में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी उनकी आवश्यकताओं में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जो पोषक तत्वों की मात्रा को परिवर्तित करते हैं। बच्चों, ये आपको हम पहले ही बता चुके थे कि पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उनका शारीरिक भार और लंबाई महिलाओं की अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। परंतु आपको बताया जा चुका था कि लौह लवण की आवश्यकता महिलाओं को ज्यादा होती है। इस अवस्था में महिलाओं के लिए आहार तालिका को बनाते समय विशेष ध्यान हमें विशेष अवस्था का रखना होता है। क्यों? क्योंकि ये गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाले माता की आवश्यकताएं साधारण महिलाओं की अपेक्षाकृत बढ़ जाती हैं। उस अंतर को आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। अनाजों की मात्रा, एक साधारण महिला को 250 ग्राम चाहिए होती है, जबकि गर्भवती महिला को 350 एवं स्तनपान कराने वाली माता को भी 350 ग्राम चाहिए होती है। जबकि दालों की मात्रा साधारण महिला को 40 ग्राम और आप देख सकते हैं गर्भवती को 50 ग्राम एवं स्तनपान कराने वाली माता को 75 ग्राम चाहिए होती है। इसी प्रकार से तालिका के अन्य भोज्य पदार्थों में भी अंतर देखने को मिल सकता है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और वृद्धावस्था की तरफ आते हैं। वृद्धावस्था अर्थात जीवन की अंतिम अवस्था, इसमें भी बहुत से परिवर्तन होते हैं, लेकिन पतन की ओर शरीर हमारा जाने लगता है, हमारी क्रियाशीलता कम हो जाती है। उसके कई कारण हैं। हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं, हम देख नहीं पाते, हमारा अपनी मांसपेशियों पे से नियंत्रण कम होने लगता है, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हमारे जोड़ जो है वो कठोर होने लगते हैं। इन सब का प्रभाव इस चीज पर पड़ता है कि हमारी क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिसके कारण ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं भी कम हो जाती है। बच्चों, इस अवस्था में एक बार फिर से हमारे दांतों का क्षय होने लगता है, इस वजह से हम भोजन को अच्छी तरीके से चबा नहीं पाते हैं, और जब हम उसको चबा नहीं पाते हैं तो उसका प्रभाव हम उसकी पाचन प्रक्रिया पर पड़ता है। बच्चों, इस अवस्था में हमारे शरीर के आंतरिक तंत्र भी कमजोर होने लगते हैं, उनकी भी क्रियाविधि शिथिल होने लगती है और हार्मोन्स भी कम मात्रा में निकलते हैं। यही कारण है कि क्रियाविधियां धीरी गति से होने लगती हैं। और आधारीय चयापचय, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारा शरीर आराम की स्थिति में होता है तो उस समय भी हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस लिए? इन्हीं आधारीय चयापचयों के लिए। वह दर भी इस अवस्था में कम हो जाती है और इस वजह से ऊर्जा संबंधी आवश्यकता कम हो जाती है। बच्चों, इस समय आपको कौन से भोज्य पदार्थ कितनी मात्रा में लेना है वह इस सारणी में दिया हुआ है, जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उत्तम आहार क्या है। बच्चों, सभी आवश्यक पोषक तत्वों से परिपूर्ण ताजा, गर्म, स्वादिष्ट, सुपाच्य तथा पौष्टिक आहार ही उत्तम आहार कहलाता है, अर्थात उसमें ये सारे गुण होने ही चाहिए। बच्चों, उत्तम आहार वह आहार होना चाहिए जो एक व्यक्ति द्वारा आसानी से पचाया जा सके, अर्थात हमारे पाचक रस उस पर क्रिया कर सके और उसे इस अनुरूप बना सके कि हमारा शरीर उसे अवशोषित कर सके और उस पर विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं करके ऊर्जा प्राप्त कर सके एवं अपनी वृद्धि एवं विकास कर सके। बच्चों, उत्तम आहार में शरीर को संपूर्ण स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और आरोग्यता प्रदान करने की भी क्षमता होनी चाहिए, अर्थात हमको रोगों से लड़ने की भी क्षमता होनी चाहिए।
उत्तम आहार आकर्षक होना चाहिए, जिसे देखकर ही व्यक्ति को भूख लग जाए और उसे खाने का मन करे। बच्चों, आहार कितना भी उत्तम क्यों ना हो, परंतु आवश्यक होता है कुछ बातों का ध्यान में रखना भोजन करते समय। आइए अब हम उन पे नजर डालते हैं। भोजन सदा खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे कि पाचन भली प्रकार से हो पाए। भोजन हमें निश्चित समय पर ही खाना चाहिए। बच्चों, हमारा शरीर भी समय का आदि होता है। उस निश्चित समय पर हमें भूख प्रतिदिन लगती ही है, इसलिए हमें भोजन प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ही खाना चाहिए। दो आहारों के मध्य 4 से 5 घंटों का अंतराल होना ही चाहिए, जिससे कि पाचन प्रक्रिया भली प्रकार से हो पाए। रात का भोजन 2 से 3 घंटे पूर्व ही कर लेना चाहिए, जिससे हमारी क्रियाशीलता बनी रहे और पाचन भली प्रकार से हो पाए। और अंत में भोजन करते समय प्रसन्नचित एवं तनाव मुक्त रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों, हमारी मानसिक स्थिति का भी प्रभाव हमारे पाचक रसों के श्रावण पर पड़ता है, इसलिए हमें प्रसन्नचित होकर ही भोजन करना चाहिए। बच्चों, इसके बाद है कुपोषण। कुपोषण वह स्थिति है जो हमें असंतुलित भोजन लंबे समय तक करने के कारण उत्पन्न हो जाती है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम अपने अगले भाग में करेंगे। तो आइए अब हम नजर डाल लेते हैं इस भाग से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों पर। बच्चों, ये आज की चर्चा से संबंधित अभ्यास कार्य है, जिसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और इनका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। और बच्चों, इस पाठ के अगले भाग के साथ, जिसमें कुपोषण पर विशेष चर्चा होगी, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।